मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से प्रवक्ताओं को लेकर टैलेंट हंट करने जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट में क्या क्या गुण होने चाहिए, पार्टी ने इसकी पूरी लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस नौजवानों के लिए भर्तियां शुरू करने वाली है। ये भर्तियां टैलेंट हंट के जरिए आने वाले दिनों में 1 से 2 महीनों में गूगल फॉर्म के जरिए की जाएंगी। चुने गए लोग कांग्रेस प्रवक्ता बनेंगे। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, सामरिक विषयों का ज्ञान जरूरी, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी, कांग्रेस की रीति नीति से परिचित होना भी जरूरी, आरएसएस की विचारधारा निस्तेनाबूद करने का जज्बा हो, मौजूदा राजनीति के साथ तकनीकी रूप से साउंड हो। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि जो आरएसएस की विचारधारा से नहीं लड़ सकता उसे कांग्रेस में रहने का अधिकार नहीं है। क्या क्राइटेरिया है इस पूरे टैलेंट हंट का? पार्टी का प्रवक्ता विचारधारा की आवाज होता है, पार्टी की आवाज होता है, रीति नीतियों की आवाज होता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने इस चुनाव वर्ष को लेकर जो कार्य योजना तब्दील की है उसमें उनका स्पष्टता निर्देश है कि हम लोग ऐसे नौजवानों को चुनें जो भविष्य की कांग्रेस को चलाएं।